हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षत बंसल नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से हम अपनी वर्ल्ड एटलस सीरीज़ की सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम एशिया पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में इतना आप जान जाएंगे कि आपको कभी उनके बारे में याद नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले एशिया के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एशिया के एक एक देश के बारे में। हम यहाँ पर फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं यहाँ पर हम। जैसे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो देश बने हुए हैं, ये म्यांमार से लेकर ये जो देश हैं इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह, इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये वाले जो देश हैं इनको हम बोलते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब कैसी हैं? ये पूर्वी देश हैं एशिया के। और आते हैं जैसे यहाँ से ये अफगानिस्तान वाला जो पोर्शन है इनको हम बोलते हैं दक्षिणी एशियाई देश। जैसे इनके लिए नाम जो आता है यूज, वो कौन सा नाम यूज होता है? सार्क कंट्रीज इसको कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये हो गए कौन से देश? सार्क देश। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाले जो देश हैं इनको बोलते हैं हम पश्चिमी एशियाई के देश, इनको बोलते हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज। क्या बोला जाता है इनको? वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी एशिया के देश। ये नीचे वाले दक्षिण पश्चिमी देश, ये पश्चिम एशिया के देश होते हैं। यहां पर आएंगे बीच में कजाकिस्तान से लगे हुए देश होते हैं, इनको बोलते हैं हम मध्य एशिया, या इनको बोला जाता है मिडिल एशिया। और ऊपर उत्तर में आप जानते हैं पूरा कौन सा देश स्थित है? रूस उत्तर में क्या है स्थित। तो आगे हम एक एक करके एक एक ग्रुप हम लेते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो पूरे देश हैं इनको एक संगठन है उसको बोलते हैं आसियान। तो इन आसियान में टोटल 10 देश हैं, तो पहले उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिर हम आगे का इसमें शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखेंगे जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं? 10 कंट्रीज हैं। पहले हम इन 10 कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं फिर आगे दूसरे देशों के बारे में पढ़ेंगे। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? आता है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर। ये 10 देश किसमें आते हैं? आसियान कंट्री में। तो इनके एक एक देशों को हम लेते हैं और एक एक करके उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, निकालते हैं हम उसको, देंगे। आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में हम आते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में यहां से हम इसको शुरू करते हैं। ये निकाल लिया है, यहां पर हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के देश निकाल लिए। यहां पर अब देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम देश लेते हैं, यहां पर एक देश बना हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडोनेशिया की क्या क्या खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया की चौथी सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में आती है? इंडोनेशिया में आती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश वो भी कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो इससे पहली वाली क्लास वीडियो में हमने बताया था उसको, आर्किपेलेगो मतलब होता है द्वीपों की श्रृंखला। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलेगो भी कौन सा है? इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के साथ साथ कितने किलोमीटर में फैला है? लगभग 5000 किलोमीटर में ये फैला हुआ क्या है? देश। अब इसके अंदर चलते हैं, देखेंगे इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण द्वीप हम देखते हैं। यहां पर एक द्वीप बना है सुमात्रा, यहां पर एक द्वीप बना है जावा, यहां पर द्वीप बना है बोर्नियो, यहां पर द्वीप बना है सुलावेसी, यहां पर द्वीप बना है इसका ये इरियन जाया। क्लियर है? खास बात क्या है इसकी? तो इंडोनेशिया के ये सभी जो द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया देश एक कैसा देश हो गया? ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश हो गया। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय देश। अंतर महाद्वीपीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एशिया में भी आता है और ये वाला जो इसका भाग है ये किससे लगा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका मतलब ये हिस्सा इसका किस में आता है? ओशनिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसका हिस्सा आता है। कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा। और आगे बढ़ते हैं, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? सुमात्रा। इसके बाद देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या है वो किस द्वीप की है? जावा द्वीप की। जावा द्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जावा द्वीप वह द्वीप है जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किसी द्वीप पर है, तो वो कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप। तो ये जावा द्वीप हो गया जिसमें दुनिया की सबसे अधिक क्या है? जनसंख्या है। दुनिया में, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जिस द्वीप पे है वो कौन सा द्वीप है? आपका जावा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं,
जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वो कहाँ पर है? जावा द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जकार्ता के बारे में क्या फेमस है? जो आसियान देश हमने पढ़े हैं उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जकार्ता में। और इसके महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? यहाँ पर एक नगर बना है बाडुंग, यहाँ पर एक नगर बना है सुरबाया। तीन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के शहर हैं, सुरबाया, जकार्ता, बाडुंग, ये इसके एक तीन सबसे महत्वपूर्ण नगर है। बाडुंग किस लिए फेमस है? तो सिनकोना का उत्पादन होता है। सिनकोना क्या होता है? तो सिनकोना का उपयोग कुनेन बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग किस में होता है? मलेरिया की दवाई बनाने में उसका क्या किया जाता है? उपयोग उसका किया जाता है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? बाडुंग के बारे में। और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया की सीमा किन देशों से लगती है? अब आप कहेंगे जब इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है तो उसकी सीमा कैसे लगेगी दूसरे देशों से? तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर एक द्वीप है बोर्नियो, जो बोर्नियो द्वीप है उस पर तीन देश आते हैं। एक आता है इंडोनेशिया, एक आता है आपका मलेशिया, एक आता है ब्रुनेई। क्लियर है? बोर्नियो को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? कालीमंतान। जो राजधानी है वो कालीमंतान में शिफ्ट होने की ऐसा प्रस्ताव है कि यहां पर शिफ्ट होगी उसकी राजधानी, अभी नहीं हुई है। तो ये जो बोर्नियो है, यहां पे तीन देश हैं, तो ये जो बोर्नियो है इसमें मलेशिया भी है, तो इसका मतलब इंडोनेशिया की सीमा किससे लगती है? मलेशिया से। यहां पर ये जो इसका द्वीप है इरियन जाया, इसकी सीमा किससे लगती है? पापुआ न्यू गिनी करके द्वीप है उससे इसकी सीमा लगती है। और एक यहां पर देश है ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर से भी इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। तो तीन देशों से इसकी क्या लगती है? बाउंड्री यहां पर लगती है। और देखते हैं इसमें, तो यहां पे आप देखेंगे ईस्ट तिमोर से इसकी बाउंड्री लग गई। भारत के संबंध में देखेंगे, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद इसका सुमात्रा द्वीप है। तो यहां पर एक रेखा है, उसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, या उसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को कौन सी रेखा अलग करती है? तो एक 6 डिग्री की चैनल, जो अक्षांश रेखा हमने बताई थी, वो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। क्लियर है पॉइंट ये? इसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। ग्रेट चैनल अंडमान का ग्रेट निकोबार, और किसको अलग करती है? सुमात्रा को क्या करती है? अलग करती है। और समझते हैं यहां पर इंडोनेशिया के बारे में। जैसे आप देखेंगे यहां पर इंडोनेशिया जो देश है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? तो उसका नाम है बहासा। ये भाषा शब्द किससे बना? तो संस्कृत भाषा के शब्द भाषा से बना है। ये कौन सा शब्द? बहासा। तो ये इसकी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है इसकी। दूसरा, इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो इस समय यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति। अच्छा, एक झील का नाम और आता है टोबो झील, वो कहाँ की झील है? इंडोनेशिया की क्या है? झील है आपकी। क्लियर है आपका पॉइंट? और इसमें हम देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में और क्या पॉइंट है। तो ये जितने भी पॉइंट है ये किसके बारे में हो गया? इंडोनेशिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देश यहां पर है मलेशिया। मलेशिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेशिया दो भागों में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा आता है, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं मलाय प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप है, ये दो देश आते हैं, एक आता है मलेशिया और एक आता है सिंगापुर। और एक हिस्सा इसका किसमें है? तो ये बोर्नियो द्वीप पर इसके दो राज्य हैं, एक का नाम है सारावाक और एक का नाम क्या है? सबा। ये दोनों राज्य इसके कौन से द्वीप पर है? बोर्नियो पर। मलेशिया के बारे में पढ़ते हैं, जो मलेशिया की राजधानी है वो क्या है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। दूसरा पॉइंट, जो यहां पे दो घाटियां महत्वपूर्ण है, एक किंता किलांग घाटी और एक घाटी का नाम है गोपेन घाटी। तो गोपेन घाटी में यहां पे एक नगर बना है एपो। तो गोपेन घाटी में नगर बना है एपो किस लिए फेमस है? विश्व की सबसे बड़ी टिन की जो खदान है वो कहां पर है? इसी एपो में, एपो केंद्र पर क्या है? स्थित है। ये किसके बारे में? मलेशिया के बारे में। मलेशिया कैसा देश है? एक राजतांत्रिक देश है। राजतांत्रिक का मतलब है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक मोनार्की यहां पर क्या की गई है? स्थापित की गई है। क्लियर पॉइंट ये? अगले देश पे आते हैं। अगला देश यहां पर बना हुआ है, तीसरा देश है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी क्या हो गई? बांदेर सेरी बेगावन इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि दुनिया के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम देखें तो पांचवें नंबर पे कौन सा देश आता है? ब्रुनेई। मतलब पांचवा सबसे अमीर देश किस आधार पे? प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, तो वो कौन सा है? ब्रुनेई। अच्छा, क्या खास बात है इसकी? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ब्रुनेई में। अच्छा, ब्रुनेई में कैसी शासन व्यवस्था है? राजतंत्र है यहां पर, मतलब मोनार्की है यहां पर। और मोनार्की है इसका मतलब यहां का क्या होता है? सुल्तान होते हैं यहां के, जो इसका क्या देखते हैं? शासन देखते हैं। क्लियर पॉइंट है? और देखते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे एक चीज देखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हमने इंडोनेशिया बताया, यहां पर एक रेखा आती है इस तरीके की,
इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है वॉलेस रेखा, इसको बोलते हैं वॉलेस लाइन। अब ये क्या होता है वॉलेस लाइन? वॉलेस लाइन बताती है, या वॉलेस लाइन किस किस चीजों का विभाजन करती है? वॉलेस लाइन विभाजन करती है वनस्पति जीव जंतुओं का, क्या करती है विभाजन, कैसे करती है विभाजन? इसका पूर्वी भाग, इसका पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग के जो जीव जंतु होंगे वो अलग होंगे, पश्चिमी भाग के जीव जंतु जो होंगे वो क्या होंगे? अलग। तो वॉलेस रेखा वॉलेस ने बनाई थी, इसलिए नाम हो गया वॉलेस रेखा। किनका विभाजन करती है? ये जीव जंतुओं फ्लोरा और फौना, उनका क्या करती है? ये विभाजन करती है। तो ये यहां से इंडोनेशिया से होकर वो क्या होती है? जाती है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे रिलेटेड? इंडोनेशिया से रिलेटेड। क्लियर पॉइंट? तो इसलिए कहा जाता है कि ब्राजील के बाद सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो कहां पे पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी इंडोनेशिया में। ये हमने कितने देश पढ़े? तीन देश, एक पढ़ा इंडोनेशिया, मलेशिया और एक पढ़ा ब्रुनेई के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा देश यहां पे और बना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम ईस्ट तिमोर, या इसका नाम लिखा रहता है तिमोर लेस्ट, इसका नाम लिखा रहता है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। लेकिन याद रखेंगे ये आसियान देशों में नहीं आता है। अगला देश बढ़ते हैं, यहां पे अगला देश बना हुआ है, यहां पे लेते हैं हम थाईलैंड। एक देश कौन सा बना है? थाईलैंड। थाईलैंड देश यहां से शुरू होता है और होता हुआ कहां पे आता है? मलेशिया से क्या हो जाता है? टच हो जाता है। अब जो थाईलैंड है इसका पुराना नाम क्या था? तो एक नाम याद रखेंगे यहां पे, सियाम। इसका क्या था पुराना नाम? किसका पुराना नाम था? थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। सियाम शब्द बना किससे? तो हमारे यहां शब्द चलता है श्याम, श्याम का मतलब होता है डार्क या ब्राउन। तो यहां के लोगों का रंग ऐसा था, इसलिए इसको पहले क्या कहा जाता था? सियाम भी कहा जाता था। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। दो और महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? तो यहां पर एक नगर है फुकेट और एक और महत्वपूर्ण नगर है पटाया। तो आपने कई बार सुना होगा लोग जब घूमने जाते हैं तो तीन नगरों की वो डेस्टिनेशन बनाते हैं, एक होता है आपका बैंकॉक, एक होता है आपका पटाया और एक होता है आपका फुकेट। यहाँ की ये क्या करते हैं, किस पे जाते हैं? यात्रा पे जाते हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। और जो बैंकॉक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चाउफ्रे नदी। अगली क्लास में हम जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे एशिया के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, अभी याद रखेंगे कि बैंकॉक जो है राजधानी वो किस नदी के किनारे स्थित है? चाउफ्रे नदी के किनारे वो क्या है? स्थित है। क्लियर है पॉइंट? तो कितने देश हो गए? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और एक छोटा सा देश पढ़ा हमने तिमोर, और यहां पर एक देश पढ़ लिया थाईलैंड। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, यहां पर मलेशिया जहां पे खत्म होता है वहां पर एक और छोटा सा देश है, उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो देश है वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन दुनिया के विकसित देशों में उसकी क्या होती है? गिनती। वहां की चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब में उसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसमें? दुनिया में। अच्छा, इसकी जो ज्यादातर जो जनसंख्या है वो बाहर से आके बसी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सिटी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मलेशिया के आखिरी में यहां पर एक शहर बना है जिसका नाम है जौहर बाहरु। ये इसका दक्षिणतम शहर है, किसका? मलेशिया का। इसके बाद एक जलसंधि आती है, उसको बोलते हैं जौहर जलसंधि। तो जौहर जलसंधि किस किस को अलग करती है? मलेशिया और सिंगापुर को क्या करती है? अलग करती है। याद रखेंगे इसको, जौहर जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? मलेशिया और सिंगापुर को क्या करती है? अलग करती है। क्लियर है पॉइंट? और आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक आ गए हम थाईलैंड तक। अब देखते हैं थाईलैंड के बाद यहां पर एक देश बना हुआ है कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में पढ़ते हैं, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमफे। कंबोडिया को किस लिए जाना जाता है? तो कंबोडिया को जाना जाता है अंकोर वाट के मंदिर के लिए। अंकोर वाट के मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? अंकोर वाट के मंदिर दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के रूप में उसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। किस धर्म से रिलेटेड है? तो जब बने थे तो किसके लिए बने थे? विष्णु मंदिर के रूप में, और आज वो बौद्ध मंदिर के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। अच्छा, किसने बनवाया था? तो एक वंश का नाम आता है यहां पर, खेमेर वंश। इस शासक काल में उनको क्या किया गया था? बनाया गया था। और इसी से यहां की एक भाषा बन जाती है, खेमेर भाषा। कहां की है? तो वो कहां की भाषा हो जाती है? कंबोडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन सी? खेमेर भाषा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो नोमपे की राजधानी है किस नदी के किनारे पर है? तो मेकोंग नदी के किनारे। किस देश की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी नोमपे इसके किनारे पर है। और आते हैं यहां पर एक छोटा सा देश बना हुआ है लाओस। लाओस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में, वो क्या आया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देश कैसे हैं? द्वीपीय देश हैं, एक देश को छोड़कर। वो कौन सा देश है? लाओस। ये कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब भू आबद्ध देश है, मतलब ये खुले समुद्र से इसका संपर्क नहीं है, इसलिए कैसा देश है? लैंडलॉक। राजधानी क्या है? वियंतियाने इसकी क्या है? राजधानी। अगला देश आती है, अगला देश यहां पर है वियतनाम। वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं,
वियतनाम की राजधानी क्या हो गई? हनोई। सीमा किस किस से लग रही है? ऊपर लग रही चाइना से, यहाँ पर लग रही लाओस से, यहाँ पर लग रही किससे? कंबोडिया से। अच्छा, चीन के साथ इसका विवाद रहता है किसको लेकर? दक्षिणी चीन सागर को लेकर इसका विवाद किससे रहता है? चाइना से। दूसरा, भारत की जो ONGC कंपनी है उसने यहाँ पर कुछ कुएं या कुछ सेंटर ऐसे लिए हैं तेल उत्पादन के लिए, तो उसको इसका मतलब है हमने भी सीधे सीधे चाइना से वो विवाद में हम भी उसमें क्या हो गए हैं? शामिल हो गए। क्लियर पॉइंट। ये कहाँ पर आ गए? वियतनाम में। और दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन से देश हैं? तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक देश बना हुआ है आपका म्यांमार। म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है? ने पैताव। इसकी पहले राजधानी क्या थी? तो यहां पे बना यंगून। इसी का नाम पहले क्या था? रंगून। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका और महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? तो यहां पे एक नगर बना है मांडले। मांडले आपने इंडियन हिस्ट्री में आपने ये शब्द सुना होगा। मांडले में बाल गंगाधर तिलक को कई वर्षों तक यहां पे बंदी करके जेल में उनको रखा गया था। कहां पर? मांडले में। अच्छा, तीन नदियों के नाम आते हैं म्यांमार में। एक आती है सालवीन, एक आती है रावडी और एक आती है आपकी सितांग नदी। तो ये जो तीन नदियां हैं कहां की नदी है? म्यांमार की। अच्छा, इसमें जो इरावडी है उसको म्यांमार की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। जितने पॉइंट्स आपको बीच बीच में बताए जा रहे हैं उनको आप सब नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये सारे, उनको आप बिल्कुल नोट करते रहिएगा। अगर तेज लग रहा है तो आप उसको रोक कर या उसको बैक कर आप उसको लिख सकते हैं, सारे पॉइंट लिखते चलेंगे। तो तीन नदियां बता दी, सालवीन, सितांग और एक बता दी हमने कौन सी, सालवीन, सितांग और एक नदी हो गई यहां पर आपकी इरावडी। इरावडी को क्या बोलते हैं हम? जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी? म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अब देखेंगे म्यांमार की सीमा भारत से किस किस से लग रही है। तो यहां पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आ गया नागालैंड, इसके बाद आ गया मणिपुर और इसके बाद नीचे सबसे नीचे आ गया मिजोरम। इन राज्यों से इसकी क्या लग रही है? बाउंड्री लग रही है। और देखते हैं यहां पे लाइन से कई सारी पहाड़ियां बनी हुई हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहां पे कौन सी बनी है? पटकोइबम। फिर उसके नीचे कौन सी पहाड़ी बनी है? नागा पहाड़ियां। फिर उसके नीचे कौन सी पहाड़ी बनी है? उसके नीचे मिजो पहाड़ियां। और फिर उसके बाद म्यांमार का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है अराकन योमा, उसकी क्या हो जाती है? यहां पर शुरुआत हो जाती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देखेंगे म्यांमार की सीमा लग रही है इधर बांग्लादेश से, ऊपर लग रही चाइना से, यहां पर लग रही है किससे? वियतनाम से, सॉरी थाईलैंड से, और नीचे किससे लग रही है? मलेशिया से, सॉरी थाईलैंड तक इसकी क्या लग रही है? सीमा लग रही है। इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश से जो लगा हुआ इसका हिस्सा है, वहां पर एक प्रांत है इसका रखाइन प्रांत। रखाइन प्रांत क्यों फेमस है हमारे लिए? तो रखाइन प्रांत पर कुछ लोग रहते थे अल्पसंख्यक वर्ग, उनका नाम था रोहिंग्या, उनको रोहिंग्या मुसलमान भी कहा जाता है। तो जो रोहिंग्या मुसलमान है उनका मुद्दा बांग्लादेश में भी फेमस है और उनका लेकर इशू कहां पर है? इंडिया में भी। अच्छा, म्यांमार क्या कहता है? म्यांमार कहता है कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं हमारे यहां पर। और म्यांमार में उनकी क्या स्थिति है? चूंकि वो अल्पसंख्यक वर्ग है, म्यांमार में बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट बहुल के लोग रहते हैं वहां पर, तो उनका आपस में युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बनी रहती है, इसलिए वो दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो भारत के जो असम, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जो रोहिंग्या मुसलमान है वो क्या हो चुके हैं? शिफ्ट हो चुके हैं। ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है किससे रिलेटेड? म्यांमार। अच्छा, म्यांमार में अभी हाल ही में क्या चल रहा है? तो यहाँ पर कई वर्षों से सैनिक शासन चल रहा है, इसका मतलब वहां पर पॉलिटिकल रूप से अनस्टेबिलिटी वहां पर चल रही है। क्लियर है पॉइंट? ये हमने किन देशों के बारे में पढ़ा? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बारे में। अच्छा, एक देश इसमें और है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, यहां पर बना हुआ है फिलीपींस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिलीपींस के दो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं? एक बना है लुजोन और एक बना है मिंडनाओ। क्वेश्चन क्या आता है? तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि लुजोन द्वीप पर किस देश की राजधानी स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर देखेंगे मनीला है, इसका मतलब लुजोन द्वीप पर मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वो क्या है? स्थित। अच्छा, मनीला का नाम क्या क्यों आता है? तो एक हम क्वेश्चन बहुत आता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो कहां पर है? तो वो भी कहां पर है? यही मनीला पर वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्लियर है पॉइंट? ये हमने किसके बारे में पढ़ा? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बारे में यहां पर हमने पढ़ लिया। तो आइए अब हम यहां पर शुरू करते हैं ईस्ट एशिया के बारे में। ईस्ट एशिया को निकाल लेते हैं पहले हम। तो यहां पर ये वाला जो मैप हमने निकाल लिया है ये आप गया आपके सामने आ गया किसके बारे में? ईस्ट एशिया का बारे में। आते हैं, जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? चाइना। चाइना के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पहले हम। जैसे
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चाइना है। दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे रहती है? चाइना में रहती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो चाइना दुनिया का कौन से नंबर का देश है? चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? देश। जब आप चाइना को देखेंगे तो चाइना का एरिया इतना बड़ा है कि इसकी टोटल बाउंड्री कितने देशों से लगती है? इसकी टोटल बाउंड्री लगती है 14 देशों से। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयरिंग कंट्री, शेयर करने वाला जो कंट्री है वो कौन सा है? चाइना है। क्लियर पॉइंट। इसके साथ साथ रूस भी है जो 14 देशों से जिसकी बाउंड्री लगती है। जब आप चीन को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके इधर वाले भाग पर जितने भी इसके नगर बसे हैं वो कहाँ पर बसे हैं? यहाँ पर। और ये वाला जो भाग है ये कैसा है? यहाँ पे ज़्यादा बड़े शहर नहीं है या जनसंख्या के निवास नहीं होता। क्यों? जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल मैप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कई मरुस्थल हैं, यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं जहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये वाले क्षेत्रों में इसके कोई भी बड़ा शहर नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं वो सब कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। अब इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। अब इसके कुछ शहरों के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। अच्छा, शहरों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। चाइना में कुल टोटल प्रोविंस कितनी है, प्रांत कितनी है? 22। और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑटोनोमस रीजन है जैसे जिसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है? ये यहाँ पर लगा हुआ है आपका तिब्बत। ये इसका किस में आता है? ऑटोनोमस रीजन के तहत आता है। अच्छा, इसके दो स्पेशल रीजन है यहाँ पर, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एक यहाँ पर बना है हांगकांग और एक यहाँ पर क्या बना हुआ है? मकाओ। ये इसके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत आते हैं। अच्छा, ताइवान जो है, ताइवान पर चीन अपना क्या बताता है? अधिकार बताता है। तो ताइवान जो है वो चीन के अधिकार में, हालांकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश बताता है लेकिन कई जगह ऐसा नहीं माना जाता। तो ताइवान, उसकी राजधानी है ताइपे। इसका ऑफिशियल जो नाम है वो क्या है? ROC। इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो और दूसरा जो ताइवान पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जो ताइवान है वो किस द्वीप पर स्थित है? ताइवान फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित एक रीजन है उसको, क्योंकि कई देशों ने उसको मान्यता नहीं दी है, तो उसको बोलते हैं ताइवान फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित क्या है? रीजन। अब चीन के शहरों के बारे में पढ़ते हैं। जो चीन की राजधानी है उसका नाम क्या है? बीजिंग। जो चीन का सबसे बड़ा शहर है, चीन का सबसे बड़ा पोर्ट है, उसका नाम क्या है? शांघाई। उसका नाम क्या है? शांघाई। तो शांघाई स्काई स्क्रैपर्स के लिए जाना जाता है। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए कौन जाना जाता है? शांघाई जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? तो यहां पर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक है मकाओ रीजन है, एक हांगकांग। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं पर्ल नदी का डेल्टाई क्षेत्र, जो दुनिया का सबसे बड़े शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, हांगकांग कौन सी नदी के किनारे है? तो यहां पर एक नदी बनी है, कौन सी? सीकियांग नदी। और जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो चाइना का शहर है वो कौन सा है? तो यहां पर बीच में बना हुआ है वुहान। वुहान पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? वुहान किस प्रांत का राजधानी है? तो हुबेई प्रांत की क्या है? राजधानी है। सेंट्रल चाइना का सबसे बड़ा जो शहर है वो भी कौन सा है? वुहान। वुहान किस नदी के किनारे पर है? तो यहाँ पर एक नदी निकल रही है, इसका नाम है यांगटिजी। इस नदी के किनारे पर कौन सा नगर है? ये यहाँ पर हो गया वुहान के बारे में। क्लियर है। और आप देखते हैं तो चीन के बारे में जब हम और देखते हैं तो चीन कई चीजों में प्रथम है। जैसे जैसे चीन में चावल के उत्पादन में प्रथम है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम है, इसके साथ साथ कपास के उत्पादन में प्रथम है, चाय के उत्पादन में प्रथम है, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम कौन है? चाइना है। क्लियर है। और देखते हैं, अच्छा, चाइना के जो लोग होते हैं उनको कौन से पीपल बोलते हैं? उनको बोलते हैं हॉन पीपल, इनको कहा जाता है। हॉन जनजाति कहाँ की है? चाइना की। चाइना की शासन व्यवस्था कैसी है? तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, एक ही पार्टी है वहां पर। दूसरा, वहां पे कौन सी सरकार है? तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर क्या होती है? सरकार। वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में वहां के क्या है? राष्ट्रपति। ये हमने सबसे बड़ा देश देखा किसका? ईस्ट चाइना का। ईस्ट चाइना का एक और देश कौन सा है? तो यहां पर एक देश बना हुआ है मंगोलिया। मंगोलिया की खास बात क्या है? मंगोलिया में एक मरुस्थल आता है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल से घिरा हुआ ये देश है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है वो भी कौन सी है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटेर। यहां की क्या है? राजधानी है। तो दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री वो कौन सी हो गई? मंगोलिया हो गई आपकी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं लेकिन यहां की जो ज्यादातर जो
लोग हैं वो कैसे हैं उसको बोला जाता है नोमैडिक। नोमैडिक मतलब खानाबदोश जनजातियों के रूप में रहते हैं। खानाबदोश का मतलब है उनका स्थायी निवास नहीं होता, वो शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ वहाँ पर यात्रा करी थी तो आपने देखा होगा उन्होंने एक हेड लगाई थी और ड्रम बजाए थे उस तरीके से, तो वो उसी तरह का कल्चर वहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है। अब ये दो देश हो गए ईस्ट एशिया के, चाइना और मंगोलिया। अब आते हैं यहां पर तीन देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहां पर हम। तो ये अब इन देशों के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बारे में। पहले यहां पे शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोरिया प्रायद्वीप पर स्थित हैं। दोनों देश कौन से प्रायद्वीप पर स्थित हैं, कोरिया पर। अब इन दोनों के मध्य जो विवाद रहता है या जो युद्ध रहते हैं वो किस कारण से होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया था वो किसके प्रभाव में रहा, रूस के प्रभाव में यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में रहा, और जो साउथ कोरिया था वो किसके प्रभाव में रहा, अमेरिका के प्रभाव में यानी पूंजीवादी देशों के प्रभाव में रहा। 1950 के समय यहां पर कोरिया का युद्ध हुआ। दूसरा, इनके बीच में एक सीमा है उसको बोलते हैं हम बॉर्डर जो होता है उसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो उस समय का बॉर्डर था 38 डिग्री पैरेलल लाइन, और वर्तमान में जो इसका बॉर्डर है उसको बोलते हैं हम MDL। 38 डिग्री के काटती हुई ये रेखा निकलती है, ये इसका बॉर्डर निकलता है। किनका बॉर्डर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। MDL का मतलब हो गया मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। लगभग 250 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 4 किलोमीटर। दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिट्री जिस बॉर्डर पर रहती है वो कौन सा बॉर्डर है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर माना जाता है। अच्छा, 2000 में पहली बार जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति वहां पे गए थे, बहुत ऐतिहासिक क्षण वो माना जाता है जब वहां पर उन्होंने उसकी क्या करी थी, यात्रा करी थी। नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग इसकी क्या है राजधानी। किम जोंग उन यहाँ के क्या है, शासक हैं या उनको बोल सकते हैं डिक्टेटर हैं यहाँ के किम जोंग उन। तो वहां पे किम परिवार का क्या रहता है, वहां पर शासन रहता है। कहां पर, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया के बाद आते हैं हम कहां पर, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया की कई महत्वपूर्ण कंपनियां आप अपने जीवन में यूज करते हैं, जैसे LG, सैमसंग, इसके अलावा हुंडई, ये जितनी भी महत्वपूर्ण कंपनियां, ये सब कहां की हैं, साउथ कोरिया की। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है, तो सियोल इसकी क्या है, राजधानी। और विशेष बात, इसकी आधे से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो किसी धर्म को नहीं मानती, या उनको कहा जाता है वो कैसे हैं, नास्तिक हैं। उनमें जब आप पढ़ेंगे कि भाई क्या कौन से धर्म को मानते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है इररिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब है नास्तिक हैं। ये दो देश हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री किससे लग रही है, तो इसकी बाउंड्री देखेंगे यहाँ पे लग रही है रूस से, यहाँ पे लग रही है किससे, चाइना से, और यहाँ पे किससे लग रही है, ये साउथ कोरिया से। इसकी क्या लग रही है, बाउंड्री लग रही है यहां पर। अब अगला देश है जापान। जापान किस लिए फेमस है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, जापान। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जापान एक कैसा देश है, जापान एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, एक आइलैंड कंट्री है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका पुराना नाम था क्या, निप्पन। इसका जो एयरलाइन है उसका नाम भी निप्पन एयरलाइंस है। तो निप्पन शब्द का मतलब होता है, इसका मतलब है यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय का देश, सबसे पहले चूंकि ईस्ट में है तो सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निप्पन इसका क्या था, पुराना नाम था। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अंदर चल के हम पढ़ते हैं जापान के बारे में। जापान में लगभग 4000 द्वीप हैं, जिसमें से चार सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन से हैं, एक यहाँ पे बना है होकाइडो, दूसरा बना है होनशू, अगला बना है यहाँ पे शिकोकू, और एक यहाँ पर बना हुआ है आपका क्यूशू। चार बड़े द्वीप जो हैं जापान के वो कौन से हैं, होकाइडो, होनशू, शिकोकू और क्यूशू। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, होनशू। होनशू में कई विशेषताएं, जो जापान की राजधानी टोक्यो वो किस द्वीप पर स्थित है, होनशू द्वीप पर स्थित है। जो जापान की सबसे महत्वपूर्ण झील है बीवा झील, बीवा BIWA, वो भी कहां पर है, इसी होनशू द्वीप पर स्थित है। जो जापान की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है शिनानो, जो शिनानो नदी है वो भी कहां पर स्थित है, कौन सी नदी है, शिनानो, शिनानो नदी भी कहां पर है, इसी होनशू द्वीप पर है। क्लियर है। अब इसके कुछ नगरों के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके नगरों की क्या क्या विशेषता है। पहला नगर है टोक्यो। टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र माना जाता है। किसको, टोक्यो को। अच्छा, एक हमने इंडोनेशिया पे द्वीप पढ़ा था जावा, जावा में बताया था दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे रहती है, यहां पर होनशू पे रहती है। अगला जो नगर बना है यहां पे योकोहामा, योकोहामा दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, योकोहामा यहां पे। अगला है नागोआ, नागोआ का कहा जाता है जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट का मतलब है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अच्छा, डेट्रॉइट ओरिजिनल रूप से कहां पर है, अमेरिका में।
अगला नगर है ओसाका। ओसाका को बोलते हैं जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? ओसाका को। अच्छा, नागुआ शब्द एक जगह और पढ़ते होंगे आप, नागुआ समझौता या नागुआ प्रोटोकॉल एक आता है बायोटिक जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर, वहां पर एक शब्द हम यूज करते हैं नागुआ प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और यहाँ पे दो नगर बने, एक बना है हिरोशिमा और यहाँ पर एक बना है नागासाकी। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ पर एटम बम यहाँ पर गिराए गए थे। एक नगर और है यहाँ का क्योटो। क्योटो नगर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर एक समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक समझौता था, उसको बोलते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ का देश है? जापान का। अब जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो आप कई तरह की ऐसी कंपनियां यूज करते हैं ऑटोमोबाइल की, जो कहाँ की हैं? जापान की। जैसे यामाहा, जैसे सुजुकी, जैसे कावासाकी, जैसे टोयोटा, ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं? ये सारी कंपनियां हैं जापान की। अच्छा, टोयोटा के बारे में जान लेंगे। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल क्या है? कंपनी है। कौन सी? टोयोटा। क्लियर है? और अब जब जापान के आप व्यापार के बारे में सुनेंगे कि जापान में भूमि कम है, उसके बाद भी दूसरे देशों से कच्चा माल मंगाता है और उनको आधुनिक तकनीकों से उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको दूसरे देशों में क्या कर देता है? बेच देता है। इसका मतलब है संसाधनों का अभाव उसके रुकावट नहीं बना और उसके बाद भी वो दुनिया के विकसित देशों में उसकी क्या होती है? गिनती होती है। किसकी? जापान की। अब भूमि कम है तो कृषि कम होती है, कृषि कम होती है तो लोग क्या करते हैं? तो लोग वहां पर क्या करते हैं? मछली पालन या मत्स्य उद्योग का वहां पर विकास बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कृषि है नहीं तो मछली उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का। तो यहां पर हम पढ़ेंगे जापान में मछली उद्योग फेमस होने के क्या कारण है। जब हम अगली क्लास में फिजिकल मैप हम पढ़ेंगे, वहां पर हम बताएंगे कि ऐसी क्या दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिस कारण से मछली उद्योग यहां पर फेमस हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर मोतियों की खेती की जाती है। अब आप कहेंगे भाई मोतियों की खेती कैसे होती है? तो एक शब्द आता है यहां पर, उसको बोलते हैं हम पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर का मतलब होता है यहां पे सीप जिससे मोती निकलता है उनको पाला जाता है और उसके बाद उनसे मोती प्राप्त किया जाता है। दुनिया में कई देशों में उसका क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट करता है। कौन? जापान। अच्छा, जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहां पे संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब क्या होता है? यहां पे सम्राट होते हैं और इसके बाद यहां पे प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो जो सम्राट है, जो वर्तमान में सम्राट जो बने हैं वो कौन से बने? नोरुहितो यहाँ के क्या बने हैं? सम्राट। और दूसरा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री। भारत में जो बुलेट ट्रेन बनी है उसको लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव पर समझौता किया था और उसी को लेकर भारत में कई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं चल रही हैं। अच्छा, शिंजो अबे का जो नाम आता है उसमें एक पॉइंट और समझ लेंगे, इनका नाम क्या है? शिंजो अबे। तो एक शब्द बना एबोनॉमिक्स। तो उन्होंने कुछ तीन नियम बताए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो उसी नियम को हम क्या बोल देते हैं? एबोनॉमिक्स कहा जाता है। वो जो उनके तीन नियम है उनको क्या बोल देते हैं? हम एबोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? ये हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? ये पढ़ लिया हमने चाइना के बारे में, मंगोलिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और किसके बारे में पढ़ लिया? जापान के बारे में। अब चलते हैं रशिया, एशिया के कौन से भाग में? एशिया के उत्तरी भाग में चलते हैं। उत्तरी भाग में क्या है? उत्तरी भाग में दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, वो कौन सा देश है? रशिया। तो रशिया में पहुंचते हैं अब हम, तो इसको रशिया में निकालते हैं हम इसको यहां पर। तो ये जो है आपका यहां पर, ये हमने निकाल लिया यहां पर रशिया। क्लियर है? रशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। जो रशिया की जो बाउंड्री लगती है वो टोटल कितने देशों से लगती है? टोटल 14 देशों से इसकी क्या लगती है? बाउंड्री। और विशेष क्या बात है, इसका कुछ भाग तो आता है एशिया में और कुछ भाग ये बीच में यूराल पर्वत है इसके इधर वाला भाग किसमें आता है? यूरोप में। इसकी जो राजधानी है मॉस्को वो भी कहां पर है? यहां पर। तो यूरोप में भी हम रशिया को पढ़ेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण नगर हैं उसको हम यूरोप में पढ़ेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लेनिनग्राड, उसको हम यूरोप वाला जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें हम उसको देखेंगे। रशिया का ये जो एशिया वाला भाग है इसमें देखेंगे आप, ये है 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, इस पे इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। तो ये जो भाग है ऊपर का इसको बोलते हैं हम साइबेरिया क्षेत्र। जो रूस का एशियाई भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं वो यहाँ पर क्या हैं? स्थित हैं, क्योंकि ऊपर ऐसी दशाएं नहीं है कि वहाँ पर लोग रह सकें, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। अगला पॉइंट, जो एक यहाँ पे एक नगर बना है व्लाडिवोस्टोक, ये यहाँ पे जो इंसान रहते हैं उसमें सबसे निम्नतम जो तापमान होता है वो कहाँ का माना जाता है? व्लाडिवोस्टोक को। इसको बोला जाता है पृथ्वी का शीत ध्रुव। किसको कहा जाता है? व्लाडिवोस्टोक को कहा जाता है।
अच्छा, रूस के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम किसके बारे में नहीं पढ़े, यूएसएसआर के बारे में। तो थोड़ा सा यूएसएसआर के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं कि यूएसएसआर की क्या विशेषता थी, यूएसएसआर में कितने देश आते थे। तो यूएसएसआर के बारे में यहां पर हम निकालते हैं, तो ये है यहां पे यूएसएसआर। यूएसएसआर में क्या है यहां पे, तो इसमें देखेंगे जैसे यहां पे यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये हो गया यूएसएसआर। टोटल कितने देश थे इसमें, टोटल 15 कंट्रीज इसमें क्या होती थी, आती थी। टोटल कितने देश हैं यहां पर, 15 देश। अच्छा, बना कब था, 1922 में, और ये भंग कब हो गया, 1991 में क्या हो गया, भंग। तो दो डेट महत्वपूर्ण है, एक है 1922 और एक है 1991। बना किसके समय में था, लेनिन के समय में, और 1991 में ये क्या हो गया, भंग हो गया। अब देखते हैं इसके देश, देखते हैं कौन कौन से देश रहे थे इसमें। रशिया, जो यूएसएसआर टूटा तो सबसे बड़ा देश बना, वो क्या बना, रशिया। ये तीन देश कहां पर हैं यूरोप में, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूरोप में पढ़ेंगे। इन तीनों को बोलते हैं हम बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं इसलिए बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। ये तीनों जो देश हैं ये भी कहां पर है, यूरोप में, बेलारूस, यूक्रेन और मॉल्डोवा, ये कहां पे हैं, यूरोप में। अब देखेंगे यहां पर तीन नगर बने हैं, जॉर्जिया, एक बना आर्मेनिया और एक बना अजरबैजान, ये है एशिया में। और इनके लिए एक नाम यूज होता है, उनको बोलते हैं हम कोकेसस स्टेट, कोकेसस पर्वत पे आते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कोकेसस स्टेट। तो ये यहां से ये छह देश हो गए कहां पे, यूरोप में, एक रशिया, दोनों में आता है, और इसके बाद के जितने देश हैं कहां पर हैं, एशिया में। अब देखेंगे यहां पे नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो अब इन देशों के बारे में पढ़ते हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए देश हैं, जो एशिया में आते हैं, उन देशों के बारे में हम देखते हैं उन देशों की क्या क्या विशेषता है। अच्छा, इन देशों को जो देश हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम जानते हैं मध्य एशिया के नाम से या मिडिल एशिया के नाम से, हम उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो मिडिल एशिया के हम देश निकालते हैं, इसके बाद ये रहा आपका मिडिल एशिया। अच्छा, मिडिल एशिया में कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ेंगे, पांच देश यहां पर हम पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक यहां पर, ये कितने हो गए, पांच देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्लियर, इनकी विशेषता क्या है, ये जितने भी पांचों देश हैं ये सब किससे घिरे, ये भूमि से घिरे हुए हैं, इसलिए पांचों देश कैसे हैं, लैंडलॉक कंट्री है। इसका जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी है, कजाकिस्तान। दूसरा पॉइंट, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो अस्ताना उसकी क्या है, राजधानी। इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, नूर सुल्तान। नाम क्यों बदला गया, क्योंकि यहां पर 30 वर्षों तक वहां पर राष्ट्रपति रहे थे नूर सुल्तान नजरबायेव, उन्होंने अभी पद से इस्तीफा दिया है, तो उनके सम्मान में इसका नाम क्या कर दिया, नूर सुल्तान। इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो क्या है, अल्माटी। कई लोग आपने देखा होगा जो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे घूमने के लिए जानते हैं, कहाँ पे, अल्माटी में। अच्छा, बीच में एक यहाँ पे झील है जिसका नाम है अरल सागर झील, जो दो देशों से लगती है, किस किस से, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कजाकिस्तान, अब दूसरा देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद। ताशकंद क्यों महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन कहां पर हुआ था, ताशकंद में। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका विदेश में निधन हुआ वो क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक मूवी बनी थी ताशकंद फाइल, उसको लेकर ये चर्चा में फिर से आया था, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी वो एक मिस्ट्री मानी जाती है, वो उसमें कहा गया था कि ये हार्ट अटैक से मरे हैं, जबकि उसमें बताया गया है कि इसमें और कई कारण रहे थे जिस कारण से उनकी क्या हुई, मृत्यु। उज्बेकिस्तान पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उज्बेकिस्तान डबली लैंडलॉक कंट्री है। डबली लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या हो गया, ये जितने देशों से घिरा हुआ है वो भी किससे घिरे हुए हैं, भूमि से। इसका मतलब है कि ये कैसा देश हो गया, भूआबद्ध है, और भूआबद्ध भी कैसा, द्विभूआबद्ध, डबली लैंडलॉक कंट्री है। कौन सी, उज्बेकिस्तान। अगला है तुर्कमेनिस्तान, राजधानी क्या हो गई, अशखाबाद। अब तुर्कमेनिस्तान का जो 70% भाग है वो एक मरुस्थल के तहत आता है, उसको बोलते हैं कराईकुम मरुस्थल। तो इसके तहत इसका 70% भाग किसके तहत आता है, उसी मरुस्थल के तहत आता है। यहां पे आएंगे एक और देश है किर्गिस्तान, किर्गिज जनजाति यहां पे पाई जाती है, नाम पड़ गया किर्गिस्तान। राजधानी क्या हो गई इसकी, बिश्केक। अगला जो है वो क्या है, ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या हो गई आपकी, दुशांबे। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भारत की सीमा के बहुत निकट है, कौन सा, ताजिकिस्तान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, तो ताजिकिस्तान जो है उसमें
उसके 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा करी थी और 2016 में उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। क्लियर है? तो ये हमारे कौन कौन से देश हो गए, ये पांच देश हो गए हमारे मिडिल एशिया के, क्या हो गए, देश हो गए। अब हम चलते हैं पश्चिम एशिया की तरफ। तो यहाँ पर पश्चिम एशिया में जाने से पहले यहाँ पर तीन देश बन रहे हैं इसमें, यहाँ पर इसका नाम है जॉर्जिया, ये एक नाम है अजरबैजान और यहाँ पर एक देश है आर्मेनिया। तीन देश बने हैं। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में बने हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉकेसस पर्वत, जिस कारण से इन तीनों देशों को कौन सा देश कहा जाता है, तो एक नाम आता है यहाँ पर ट्रांस कॉकेसस स्टेट, इन तीनों देशों को कहा जाता है, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। अच्छा, जॉर्जिया की बाउंड्री किससे भी लगी है? यूरोप से। इसकी राजधानी क्या है? तबलिसी। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और आर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवन। ये तीन देश हो गए आपके काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। अब पश्चिम एशिया की तरफ जाते हैं और पश्चिम एशिया का पहला देश निकालते हैं यहाँ पर हम, उसका नाम है आपका तुर्की। तुर्की पे आते हैं यहाँ पर हम। तुर्की की क्या विशेष बातें हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर, देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे देश बना हुआ है तुर्की, इसको देश यहाँ पर दिख रहा है तुर्की, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देश बना हुआ है कौन सा? तुर्की। तुर्की के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे तुर्की को, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो तुर्की के बारे में पढ़ते हैं। तो तुर्की के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि तुर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? ट्रांसकॉन्टिनेंट का मतलब है कि दो महाद्वीपों पर ये फैली हुई है। एक तो हो गया एशिया में, 98% भाग आता है इसका, और 2% भाग इसका किस में आता है? यूरोप में। इसकी राजधानी तो क्या हो गई? अंकारा। लेकिन इसका एक नगर है इस्तांबुल। इस्तांबुल का कुछ भाग आता है कहां पे? यूरोप में, और कुछ भाग आता है एशिया में। तो आप समझेंगे कितनी विचित्र स्थिति होगी, एक शहर में एक पुल को पार करने पर एशिया, एक पुल को पार करने पर क्या आ जाएगा? आपका यूरोप आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एशिया, एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की को अलग कौन करता है? तो एक जलसंधि पढ़ते हैं, बोस्पोरस जलसंधि, और दूसरी जलसंधि है डंडलेस जलसंधि। ये दोनों जलसंधियां किसको अलग करती हैं? ये तुर्की के यूरोपीय भाग को क्या करती हैं? अलग करती हैं। और तुर्की की विशेषता क्या है? तो तुर्की की राजधानी तो हो गई अंकारा, ये एक चीज के लिए और फेमस है तुर्की। तुर्की में एक अंगोरा प्रजाति की क्या पाई जाती है? बकरियां, जिससे ऊन बनता है, और जो ऊन बनता है उसको बोलते हैं मोहर ऊन के नाम से, उसको क्या करते हैं जानते हैं, अंगोरा प्रजाति की बकरियां और ऊन बनता है उसको क्या बोलते हैं? मोहर ऊन के नाम से उसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर है? ये हो गया किसके बारे में? तुर्की के बारे में। अब आते हैं इसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे यहां पे एक देश बना है, कौन सा? सीरिया। सीरिया के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा यहां पे किसके बारे में। यहां पर हमको देखना पड़ेगा एक संगठन था, उसका नाम था आईएसआईएस। आईएसआईएस की फुल फॉर्म क्या थी? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसी का पहले नाम क्या था? इसका नाम था आईएसआईएल। नाम वही था, केवल क्या हो गया? एल आ गया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट। नाम क्या आ रहा है यहां पे? लेवांट। तो एक रीजन होता है उसको बोलते हैं लेवांट रीजन। कौन से रीजन को? इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं लेवांट रीजन। तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये पूरा क्षेत्र आता है किसमें? लेवांट रीजन में। तो इसलिए इसका नाम पहले क्या था? लेवांट। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा। तो जो आईएसआईएस संगठन था वो बना था 1999 में था, लेकिन 2003 तक उसकी पावर बढ़ गई थी, बाद में अलकायदा से भी उसका संबंध हो गया था, और 2014 में आते आते सीरिया और इराक का बहुत बड़ा भाग किसने अपने कब्जे में ले लिया था? आईएसआईएस में। कई मूवी भी बनी है इसके ऊपर जिसमें बताया गया है कि कैसे इन नगरों की स्थिति क्या थी, उसमें आप समझ सकते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है? डेमेस्कस। अच्छा, सीरिया में और महत्वपूर्ण क्या है? तो सीरिया में जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? बशर अल असद। वहां के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो वहां पर वो 2000 से राष्ट्रपति हैं, और उससे पहले उनके पिताजी 30 वर्ष तक क्या रहे थे? वहां के राष्ट्रपति रहे थे। तो इससे समझ सकते हैं वहां पर तानाशाही पूर्ण स्थिति पाई जाती है, कहां पर? सीरिया में। अब सीरिया के नीचे जब हम आएंगे तो अब यहां पर कई सारे छोटे छोटे देश बने हुए हैं, जिसमें से इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, ये महत्वपूर्ण देश हैं।
इनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका जो मैप है उसको क्लियर समझते हैं, तो इसका एक अलग हम नक्शा लेते हैं और उससे हम समझ पाएंगे कि इन देशों की क्या स्थिति है यहाँ पर। तो ये हमने मैप लिया है, ये वाला जो भाग है ये है इसराइल का, ये ऊपर देश है आपका लेबनन, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन और यहाँ पर एक देश बना है इजिप्ट। मतलब इसका मतलब इसराइल की बाउंड्री किससे भी लगती है? अफ्रीका से भी लगती है। इजिप्ट कहाँ का देश है? अफ्रीका का क्या है? देश है। समझते हैं थोड़ा सा। पहले सबसे ऊपर देश है लेबनन, राजधानी क्या हो गई? बेरूत। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? यहाँ की 65% जनसंख्या तो क्या है? मुस्लिम। और यहाँ की 35% जनसंख्या ईसाई है। तो पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या कहाँ पे रहती है? लेबनन में। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लेबनन को। दूसरा इसकी राजधानी है बेरूत, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। किसको कहा जाता है? लेबनान की राजधानी, जिसका नाम क्या है? बेरूत। ये क्या हो गया? लेबनान। अच्छा, थोड़ा सा लिबरल स्टेट माना जाता है, थोड़ा सा उदारवादी राष्ट्र है, तो बहुत यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी इसका विकास हुआ है, लेकिन चूंकि सिविल वार चल रहा था जिस कारण से वहां पे ये जो चीजें हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब वहां पर चल रही। अब दो देश आप बहुत उनके बारे में चर्चा सुनते हैं, इसराइल और एक का नाम है फिलिस्तीन। क्या कहानी है? तो पहले देश था 1948 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिसका नाम था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से आजाद होकर एक देश बना इसराइल और धीरे धीरे युद्ध की स्थिति में रहा और आज फिलिस्तीन का 80% भाग किसके पास है? इसराइल के पास। फिलिस्तीन के पास केवल जो भाग बचा है वो क्या बचा है? यहाँ पे बनी है गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पे एक भाग बचा है वेस्ट बैंक। केवल दो ही हिस्से बचे हैं अब किसके पास? फिलिस्तीन के पास। अच्छा, इसराइल जब बना तो उसको अरब देशों से उसको आक्रमण झेलना पड़ा, अरब देशों से युद्ध हुआ। क्यों हुआ युद्ध? क्योंकि जेरूसलम जो इसकी राजधानी है वो ईसाइयों के लिए, इस्लाम के लिए और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए बहुत महत्व रखती है, होली प्लेस मानते हैं वो तीनों इसको। तो अरब राष्ट्र चाहता है कि उसका कुछ हिस्सा जेरूसलम का उनके अधिकार क्षेत्र में आए, लेकिन इसराइल इस पर तैयार नहीं है। फिलिस्तीन भी चाहता है जेरूसलम का जो पूर्वी भाग है वो किसको दिया जाए? फिलिस्तीन को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसराइल अरब जब युद्ध हुआ तो इसराइल ने अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त किया, कई सारे क्षेत्रों पर उसका अधिकार हुआ। जैसे इसराइल ने इजिप्ट पर, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, इसको क्या बोला जाता है? सिनाई प्रायद्वीप। तो इस पर किसने कब्जा कर लिया? इसराइल ने यहां पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बाद में जब इजिप्ट ने इसराइल को मान्यता दे दी थी तो ये वाला भाग फिर से किसको दे दिया गया? इजिप्ट को। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं सर कौन सी नहर निकली हुई है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर ये इस तरफ कौन सा प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं हम सिनाई प्रायद्वीप। क्लियर है? यह है जॉर्डन। जॉर्डन से कौन सा भाग लिया उसने? तो जॉर्डन से उसने कौन सा भाग ले लिया? पश्चिमी बैंक। अच्छा, इसका नाम पश्चिमी बैंक क्यों है? क्योंकि ये पश्चिमी बैंक भाग किसका था? जॉर्डन का, इसलिए इसके वेस्ट में, इसलिए नाम है इसका वेस्ट बैंक। अच्छा, सीरिया से किस बात को लेकर इसराइल का विवाद है? गोलन हाइट्स, गोलन पहाड़ियों पर उसका अधिकार है, बस्तियां हैं, इसको लेकर सीरिया से विवाद है। लेबनन से इसराइल का क्यों विवाद है? क्योंकि इसके जो दक्षिणी भाग है लेबनन का, वहां पे बस्तियां बसाई हैं किसने? इसराइल ने यहाँ पे बस्तियां बसाई। अच्छा, ये यहाँ पर ये सारे जो आपके भूमध्य सागरीय इसकी सीमा लग रही है, तो ये भूमध्य सागर से इन सबकी क्या लग रही है? इन देशों की बाउंड्री लगी हुई है। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसका राजधानी तो क्या हो गई? इसराइल की, जेरूसलम। एक और महत्वपूर्ण नगर है तेल अवीव। दुनिया के टॉप 10 इनोवेटिव जो कंट्रीज हैं, शहर हैं, उनमें से एक शहर कौन सा है? तेल अवीव का नाम आता है। दूसरा, तेल अवीव पर अभी हाल ही में हमने देखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक रोड का नाम रखा जा रहा है। कहाँ पर? तेल अवीव की एक रोड का नाम इसके नाम पर रखा जा रहा है। अच्छा, और क्या पॉइंट है यहाँ पे? पॉलिटिकल स्थिति क्या है वर्तमान की? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है, एक साल में तीसरी बार चुनाव की स्थिति वहां पर आने वाली थी, लेकिन जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसी से समझौता कर लिया किसने? जो रूलिंग पार्टी है। तो जनता को, जनता में हालांकि उसको लेकर नाराजगी है कि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसने समझौता रोश है। अच्छा, यहाँ पर एक और देश बना है जॉर्डन। जॉर्डन के बारे में पढ़ लेंगे, राजधानी क्या है? अमान। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन और इसराइल की सीमा पर एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है मृत सागर झील, जिसको बोलते हैं हम डेड सी। क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जो तली है इतनी नीचे की, सबसे निचला स्थान माना जाता है धरती पर जहां पर ये झील स्थित है। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण और है, इसकी सीमा यहाँ पे लाल सागर से लगती है, रेड सी से लगती है, और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं हम अकाबा की खाड़ी, इसको कहा जाता है। क्लियर है? ये हमने पढ़ा इन देशों के बारे में। और देखते हैं यहाँ पर
अच्छा यहाँ पर एक देश हमारा और रह गया था, इधर भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश बना हुआ है यहाँ पर साइप्रस। साइप्रस की विशेषता क्या है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ये भूमध्य सागर का क्या है, देश है। दूसरा एक द्वीपीय देश है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है भूमध्य सागर का, भूमध्य सागरीय जलवायु है, इस कारण से यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है अच्छा रहता है और एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम प्रवेश करते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में। जो दक्षिण पश्चिम एशिया है उनकी क्या विशेष बात है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं वो तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये पूरे देश तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक, उन सबके ज्यादातर क्या हैं, सदस्य हैं। ओपेक कौन सा संगठन है इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर एक संगठन है ओपेक, जो ओपेक संगठन है उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है? ये यहां पर ये वाले देश हैं, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, एक इराक भी है इसमें ओपेक में। फिर यहां पर अफ्रीका के देश हैं, अल्जीरिया है, यहां पर है आपका लीबिया है, नाइजीरिया है, गबन है, अंगोला है। यहां के दो देश हैं दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला और इक्वेडोर। अब जब हम पश्चिम एशिया पढ़ेंगे उसको समझने से पहले हमें पढ़ना है यहां पर कि जो दुनिया में ऑयल प्रोडक्शन में कौन से देश आते हैं, और हमको पढ़ना है दुनिया में रिजर्व में कौन से देश आते हैं, और पढ़ना है हमको यहां पर दुनिया में उत्पादन में निर्यात में कौन कौन से देश यहां पर आते हैं। इनको यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए एक टेबल निकालते हैं हम, यहां पर देखेंगे। पहले में दे रखा है सबसे ज्यादा उत्पादन 5 देश, सबसे ज्यादा निर्यात 5 देश, सबसे ज्यादा भंडारण 5 देश। देखते हैं इसमें देंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो कौन से देश में होता है, 5 देश, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, ईरान। इसमें से 3 देश कहाँ के हैं, ओपेक के देश हैं। एक्सपोर्ट, अच्छा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, यूएसए, लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है, सऊदी अरेबिया। क्लियर है? इसके बाद रशिया, इराक, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का स्थान आता है। सबसे ज्यादा भंडारण कहां पे है, तो वेनेजुएला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का जो भंडार है वो कहां पर है, वेनेजुएला में। उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद ईरान, कनाडा और इराक। तो सऊदी अरेबिया किस किस में प्रथम है, सऊदी अरेबिया निर्यात में प्रथम है और उत्पादन में और भंडारण में किसका स्थान आता है, दूसरे नंबर पर स्थान आता है किसका, सऊदी अरेबिया का। तो अगला जो देश है पश्चिम एशिया का वो हम लेते हैं सऊदी अरेबिया, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। तो सऊदी अरेबिया के बारे में देखेंगे क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में, उसको पहले समझ लेंगे। जैसे ये है पूरा, इसको बोलते हैं हम अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप बने ये सारे देश। सबसे बड़ा देश है पश्चिम एशिया का क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए। दूसरा है अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ईरान और तुर्की की जनसंख्या लगभग बराबर है, तो वर्तमान में तुर्की की जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तुर्की। अब देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये एकमात्र ऐसा देश है जो पर्शिया की खाड़ी से भी जिसकी सीमा लगती है और जिसकी सीमा लाल सागर से भी इसकी सीमा लगती है। क्लियर है पॉइंट ये? और देखते हैं यहां पे नीचे एक मरुस्थल है रबल खाली और ऊपर की तरफ एक मरुस्थल है यहां पर अल नेफुद मरुस्थल यहां पे आता है। इसकी राजधानी क्या है, रियाद, और जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है जेद्दा। जेद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेद्दा यहां का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सबसे बड़ा पश्चिम एशिया का। क्यों है सबसे बड़ा, क्योंकि यहां पे 2 महत्वपूर्ण शहर स्थित है, मदीना और मक्का। इस कारण से दुनिया ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? ये बात हुई किसके बारे में, सऊदी अरेबिया। अच्छा राजतंत्र है यहां पे, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगला देश देखते हैं यमन। यमन की राजधानी क्या हो गई, साना। इसका एक और महत्वपूर्ण शहर है कौन सा, अदन। समझते हैं क्या महत्वपूर्ण है ये, यहां पर एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं बबल मंदाब जलसंधि। ये बबल मंदाब जलसंधि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यमन और जिबूती को अलग करती है, 2 देशों को अलग करती है। दूसरा स्वेज नहर के लिए जहाज जाता है वो यहां से होकर गुजरता है। तो यहां पर जो जहाज जाता है वो यहां पर रुककर ही आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए अदन को बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। इसको क्या बोला जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल इसको कहा जाता है, अदन को। अच्छा एक और चीज के लिए फेमस है अदन, वो है मोका कॉफी। एक कॉफी की वेराइटी है मोका, उसके लिए फेमस कौन है, यमन। यहां पर एक द्वीप बना है सोकोत्रा, ये भी किसके अंडर में आता है, यमन के अंडर में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देश है हमारा ओमान। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। अच्छा ईरान से इसका विवाद चलता है, क्योंकि ओमान की खाड़ी तक इसका विस्तार है और यहां पे कुछ द्वीप हैं जिसको लेकर ईरान से इसका क्या है, विवाद है। एक और है, यहां पर एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं हार्मुज जलसंधि, जिससे होकर ये जहाज कहां पर प्रवेश करता है, पर्शिया की खाड़ी में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये जो हार्मुज जलसंधि है ये
जहाज ये किसके नियंत्रण में, यहां पर ओमान है, इसके नियंत्रण में ये हार्मुज क्या है, जल संधि। इसको और देखते हैं, तो हार्मुज जल संधि से होकर कोई भी जहाज यहां पर प्रवेश करेगा। अच्छा, ओमान के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि मध्य प्रदेश में बीना में एक रिफाइनरी लगी है, जो ओमान की तेल कंपनी और भारत की बीपीसीएल तेल कंपनी दोनों के मिलकर वो कंपनी वहां पर लगाई है, रिफाइनरी वहां पर लगाई हुई है। अगला जो देश है वो है यूएई, इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, या ये 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ देश है, बहुत समृद्ध देश माना जाता है, बहुत अमीर देशों में इसकी गिनती होती है। जो 7 अमीरात हैं उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण अमीरात कौन से हैं, एक है अबू धाबी, एक है शारजा, एक है दुबई। अबू धाबी इसकी क्या है, राजधानी। दूसरा शारजा किस लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए फेमस है, स्टेडियम है वहां पर। दूसरा दुबई व्यावसायिक केंद्र है। अच्छा, इसकी ज्यादातर जो जनसंख्या वो कैसी है, प्रवासी, मतलब दूसरे देशों से आकर यहां पर क्या करती है, रह रही है यहां पे जनसंख्या। एक यहां पे नगर का नाम और आता है मसदर, मसदर यहां का अबू धाबी के निकट एक नगर है जो जीरो, पहली जीरो कार्बन सिटी मानी जा रही है दुनिया की। क्लियर है, क्या नाम है उसका, मसदर। इसके आगे बढ़ते हैं पर्चे की गाड़ी में और अंदर, तो एक देश है यहां पर जिसका नाम क्या है, कतर। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। दोहा का नाम कहां पे आता है, तो दोहा का नाम आता है जब WTO के हम सम्मेलन पढ़ते हैं, तो उसमें से एक सम्मेलन हुआ था दोहा में, जिसको बोलते हैं दोहा दौर की वार्ता, उसको क्या किया जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दोहा दौर की वार्ता। इसके आगे देखते हैं, यहां पर जब आप आएंगे कतर के आगे, अच्छा कतर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कतर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, कतर। मतलब यहां पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, वो कौन सा देश है, प्रथम। इसको कैसे कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, कतर। इसके आगे चलेंगे तो अंदर एक देश है बहरीन, बहरीन एक द्वीपीय देश है, द्वीप पर बसा क्या है देश, बाकी देश द्वीपीय देश नहीं थे, ये कैसा देश है, द्वीपीय देश। राजधानी क्या है इसकी, मनामा। अब इसके अंदर पे टॉप पर एक देश है जिसका नाम है कुवैत, कुवैत भी अमीर देशों में इसकी गिनती होती है, इसकी राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। अच्छा, एक मूवी आई थी यहां पर, एक इशू बताया गया था एयरलिफ्ट, उसमें बताया गया था कि कैसे इराक ने कुवैत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और 2 दिन के अंदर कुवैत किसके अंडर में हो गया, इराक के अंडर में आ गया। 1990 के दशक में यह आक्रमण हुआ था। दूसरा आक्रमण क्यों किया गया था, इराक चाहता था कुवैत अपनी तेल की कीमतों को कम करे, तेल का प्रोडक्शन कम करे जिससे तेल की कीमतें बढ़ें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उस समय सद्दाम हुसैन वहां के तानाशाह थे, उन्होंने इस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। इसी से आगे किसकी नींव डाली गई, इसी से आगे नींव डाली खाड़ी युद्ध जो आपने सुना है, उसकी नींव यहां से डाली गई। क्लियर है, इसके आगे चलते हैं इराक। इराक का राजधानी क्या हो गई, बगदाद। अच्छा, इराक क्यों फेमस है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो कहां की है, इराक की है। दूसरा पॉइंट, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहां पर विकसित हुई है, तो 2 नदियों के नाम आते हैं यहां पर, एक नाम आता है यूफ्रेट नदी और एक नाम आता है यहां पर टिग्रिस नदी। इन 2 नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बगदाद है किस नदी के किनारे है, टिग्रिस नदी के किनारे। जो अल बसरा नगर है ये किस नदी के किनारे है, यूफ्रेट नदी के किनारे। एक महत्वपूर्ण नगर है मोसुल, मोसुल का नाम बताया था जब आईएसआईएस ने इस पर क्या कर रखा था, यहां पर अपना अधिकार यहां पर कर रखा था। क्लियर है, और इसमें हम जब बढ़ते हैं आगे तो इराक में जैसे एक बेबीलोन सिटी प्राचीन उसमें नाम आता है एक, तो वो भी कहां की है, इराक की क्या है, सिटी। तो बेबी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वो कहां से संबंधित है, इराक से। अच्छा, इस पर कई वर्षों से 1979 से लेकर 2003 तक सद्दाम हुसैन का क्या रहा, यहां पर शासन उनका रहा। इससे लगा हुआ देश है ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्शिया। अच्छा, एकमात्र देश है जो कैस्पियन सागर से भी बाउंड्री लग रही है और यहां पे पर्शिया की खाड़ी से भी बाउंड्री लग रही है। इसकी राजधानी क्या है, तेहरान। एक और नगर है इसका आबादान, वो इसकी यहां की कौन सी राजधानी कही जाती है, तेल राजधानी कही जाती है। कौन सी, आबादान। इसकी क्या कही जाती है, तेल राजधानी। क्लियर है, और ईरान के बारे में महत्वपूर्ण क्या है, तो ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी हैं और जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो क्या है, अल खैमानी। इसके क्या है, ईरान के क्या है, सुप्रीम लीडर हैं। क्लियर है, और जब ईरान में 2 नदियां फेमस है, एक का नाम है कारून और एक का नाम है अतरक। कारून सबसे बड़ी नदी है, दूसरी नदी कौन सी है, अतरक। अच्छा, एक नाम आता है यहां पे, नाम है कनात। कनात नहरों का एक जाल है जो जमीन के नीचे बिछाया जाता था ताकि सिंचाई की सुविधा की जाए इस मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो
जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी महत्वपूर्ण संरचना थी जल संरक्षण को लेकर। हालांकि वर्तमान में अब ऐसे कनात सब नष्ट होती जा रही हैं, तो यहाँ पे जल का जो समस्या है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है? अब देखेंगे ये हमारे जितने भी देश थे, ये पढ़े हमने दक्षिण पश्चिमी एशिया के क्या पढ़ लिए, देश पढ़ ली। अब यहां से हम चलते हैं कहां पर, सार्क देशों की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। अच्छा, सार्क देशों के बारे में पढ़ने से पहले हम समझ लें सार्क कौन से देश हैं। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप वाले जो देश हैं, इसको और थोड़ा सा एरिया निकाल लेते हैं हम, ये भारत से लगे हुए जितने भी देश हैं इनको बोलते हैं हम कौन से देश, सार्क कंट्रीज। तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, पहले इसका देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं इसमें, फिर उसके बारे में एक एक करके हम उन देशों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हैं सार्क कंट्रीज, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और कौन से देश हैं, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। शुरू करते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे पहला देश हम निकालते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बना हुआ है अफगानिस्तान। ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं, कांधार। जब भारत का इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक हुआ था तो कहां पर लेके गए थे आतंकवादियों से, कांधार। एक और नगर कौन सा है, हेरात। एक और नगर कौन सा है, मजार ए शरीफ। एक और महत्वपूर्ण नगर है यहाँ पे करबला, ये धार्मिक स्थान है यहाँ का, कहाँ का, अफगानिस्तान का। अच्छा, अफगानिस्तान में जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, कृषि योग्य भूमि कम है, उसके बाद भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और अफीम की खेती बहुत होती है। दुनिया की लगभग 90% अफीम का उत्पादन कौन करता है, अफगानिस्तान करता है, और वही उसकी अर्थव्यवस्था का क्या है, मुख्य आधार है। अब समझते हैं अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा समस्या क्यों रहती है, उसका क्या कारण है। 1990 के समय में यहां पर तालिबान का क्या हुआ, उदय हुआ। अब तालिबान क्या था, तो भारत सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तालिबान संगठन का क्या हुआ, जन्म हुआ। शुरुआत में तो उनके जो कार्य थे वो ऐसे थे कि लोगों ने उसको पसंद किया, जैसे वो न्याय दिलाना इन सब चीजों के काम करते, लेकिन बाद में इतना कट्टरवादी संगठन हो गया कि वो देश के लिए क्या बन गया, समस्या बन गया। और अफगानिस्तान के लगभग 90% भाग पर किसका नियंत्रण हो गया, तालिबान का। फिर उसके बाद जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया, उसका अलकायदा संबंध निकला, उसके बाद उसका वहाँ पे उसका सफाया किया गया, और दूसरा अफगानिस्तान में सरकार की क्या की गई, स्थापना। जब से वहाँ पे जो गनी है वहाँ पर उनको क्या बना दिया गया, वहाँ के राष्ट्रपति उनको बना दिया गया। क्लियर है? ये है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हिंदू कुश पर्वत है। क्लियर है? यहाँ पे दर्रे हैं, खैबर दर्रा और गोलन दर्रा, इस तरह के दर्रे यहाँ पर बने हुए हैं। इसको आगे हम और पढ़ेंगे जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे उसको हम। अब देखते हैं पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो क्या है। एक इस्लामिक स्टेट है, सेक्युलर कंट्री नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। दूसरा, इसके कितने प्रांत हैं, 4। यहाँ पर है बलूचिस्तान, नीचे की तरफ है यहाँ पे सिंध, ऊपर की तरफ है पंजाब, और यहाँ पर एक है खैबर पख्तून। क्लियर है? महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं, ये यहाँ पर है लाहौर, रावी नदी के तट के किनारे है। एक महत्वपूर्ण नगर है कराची, जो अरब सागर पे एक पोर्ट है यहाँ पर। क्लियर है? और एक और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कराची के बाद, यहाँ पे आ जाता है आपका पेशावर, पेशावर के पास में यहाँ पर है रावलपिंडी। ये पाकिस्तान के महत्वपूर्ण क्या है, नगर है। क्लियर है? यहाँ पर ये जो पेशावर के निकट यहाँ पर है स्वाद घाटी, जिसे स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन आतंकवादियों के कारण वो स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं रहा है। क्लियर है पॉइंट ये? अब देखेंगे ये तो इसके 4 प्रांत हैं, इसके अलावा 2 इसने अधिकार, ये वाला जो भारत का क्षेत्र है इस पर क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है। उसको बोलते हैं हम उसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान उसको क्या बोलता है, आजाद कश्मीर के नाम से उसको क्या करता है, जानता है। अभी हाल ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो स्टेप लिया भारत ने वो क्या लिया है, जो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के लिए भारत का मौसम विज्ञान अब क्या जारी करेगा, मौसम अनुमान जारी करा करेगा। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया आपका किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान के बाद यहां पर आते हैं हम नेपाल। नेपाल हिमालय में, हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित एक पहाड़ी पर्वतीय देश है। दूसरा, नेपाल में 3 जनजातियां बहुत फेमस हैं, शेरपा, गोरखा और भूटिया। जो शेरपा हैं वो पर्वतारोही होते हैं, इसके अलावा जो भूटिया हैं और एक और हैं वहाँ पर गोरखा, गोरखा अच्छे सैनिक माने जाते हैं। अच्छा, जितनी भी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, 10 सबसे ऊंची चोटियां, उसमें मैक्सिमम कहाँ पे, नेपाल में।
चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो मकालू हो, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, सब कहाँ पर हैं? नेपाल में। क्लियर है? भारत के राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है। अच्छा, एक नगर है यहाँ पर जनकपुर, तो जनकपुर में माना जाता है कि जो सीता जी का जन्म हुआ वो यहाँ पर जनकपुर में ही माना जाता है। एक नगर है इसका काठमांडू जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू में। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण नगर है विराटनगर, तो विराटनगर एकमात्र औद्योगिक नगर माना जाता है कहाँ का? नेपाल का। और भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान में क्या है? तो एक मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत ने डाली है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, अमलेखगंज है नेपाल में, मोतिहारी कहाँ पर है? बिहार में। तो ये हमने नेपाल में लाइन डाली है जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जा रही है। क्लियर है? इसके आगे बढ़ते हैं भूटान। भूटान के बारे में महत्वपूर्ण क्या है? भूटान से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है भारत के? यहाँ पे लगती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, और किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। और महत्वपूर्ण क्या है? जो भूटान है उसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ पे मुख्य आय का साधन क्या है? पर्यटन। यहाँ पे मुख्य आय का क्या है? साधन है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूटान के बारे में वो क्या है? इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? ड्रुकयुल कहा जाता है। ड्रुक का मतलब होता है ड्रैगन, युल का मतलब होता है लैंड, तो इसका मतलब ड्रैगन का देश स्थानीय भाषा में किसको कहा जाता है? भूटान को। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जो बड़े बड़े तूफान घाटियों से आते हैं, तो इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। किसको? भूटान को। क्लियर है? पर्यटन हमने बता दिया इसकी क्या है, आय का मुख्य साधन है। अच्छा, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूटान के बारे में, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास को अपने नागरिकों की खुशहाली के रूप में नापता है, तो उसके लिए नाम का यूज होता है GNH, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको नाम दिया जाता है। अच्छा, राजतंत्र है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिग्मे खेसर नामंगेल वांगचुक यहाँ के क्या हैं? सम्राट हैं इस समय वर्तमान में। क्लियर है? अब भूटान के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। बांग्लादेश को जब आप देखेंगे तो भारत से जा रही है नदी यहाँ पर गंगा, और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? जमुना। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? मेघना। तो मेघना के नाम से गंगा नदी किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन है गंगा नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो मेघना नाम से मिलती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अच्छा, बांग्लादेश में चूंकि नदियों का जाल बिछा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे खेती अच्छी होती है, कृषि एक मुख्य साधन है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बांग्लादेश यहाँ पर। और महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? एक इसका नगर है चटगांव। चटगांव सबसे बड़ा पोर्ट है किसका? बांग्लादेश का। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट्स किसके बारे में हुए? बांग्लादेश के बारे में। शेख हसीना वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और हमारे यहाँ से जो बंधन एक्सप्रेस है वो भी यहाँ से भारत से यहाँ पर क्या हो रही है? शुरू हुई है। क्लियर है? और इसमें आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे देश बना हुआ है श्रीलंका। इस पे आते हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, श्रीलंका की वर्तमान में जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा है। पहले राजधानी थी कोलंबो, उससे भी पहले राजधानी क्या थी? कैंडी। क्लियर? अच्छा, द्वीप के एक मोती जैसा दिखाई देता है, तो पूर्व का मोती कहा जाता है, रत्न द्वीप भी इसको कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है श्रीलंका के बारे में? श्रीलंका के ऊपरी भाग पर एक प्रायद्वीप है जिसको बोलते हैं हम जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि बाकी श्रीलंका में किसकी बहुलता पाई जाती है? सिंगली जाति की बहुलता पाई जाती है, और जाफना में किसकी बहुलता पाई जाती है? तमिल लोगों की क्या पाई जाती है? बहुलता। मतलब ये मेजोरिटी में है, यहाँ पर ये क्या है? सिंगली मेजोरिटी में है। तो यहाँ पर एक संगठन का उदय हुआ था जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। प्रभाकरण उसके क्या थे? मुखिया थे। बाद में 2009 में उनकी क्या कर दिया गया था? उनको एनकाउंटर में उनको मार दिया गया था। तो यहाँ पर जो इशू रहता है, ये लिट्टे का नाम किसमें आया? जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या में, श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या में इसका क्या आता है? नाम आता है किसका? लिट्टे नाम के संगठन का। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन इसका पुराना नाम है। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यहाँ पर एक जल संधि लिखी हुई है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि इस तरफ क्या है? मन्नार की खाड़ी। इस तरफ क्या है? पाक की खाड़ी। दोनों को जोड़ दिया किसने? पाक जल संधि ने। क्लियर है पॉइंट? और आगे इसमें चलते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक आदम का वृक्ष पाया जाता है। तो भारत का जो द्वीप है वो कौन सा है? धनुषकोडी। और श्रीलंका का कौन सा? तलई मन्नार। दोनों के बीच में क्या है?
एक सैटेलाइट से देखा जाए तो एक प्रवाल का एक द्वीप ब्रिज दिखाई देता है, जिसका संबंध किससे है, रामायण काल से उसका संबंध माना जाता है। क्लियर है ये। अब एक और द्वीप का नाम आता है यहाँ पे कच्छाथिवु, कच्छाथिवु द्वीप का नाम आता है यहाँ पे, जो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या विवादित। अच्छा, द्वीप किसका था, भारत का। 1974 के समय भारत ने किसको दे दिया था, श्रीलंका को। कुछ ऐसी रणनीतिक हमें आवश्यकता थी श्रीलंका की, तो हमने उसको, जो इंदिरा गांधी सरकार ने, वो द्वीप किसमें शिफ्ट कर दिया था, श्रीलंका को। अच्छा, जब भारतीय मछुआरे इधर जाते हैं तो उनको लेकर बहुत समस्या आती है यहाँ पर, इसलिए अब भारत सरकार और श्रीलंका के बीच में वो एक विवाद का क्या बना हुआ है, कारण बना हुआ है। यहाँ पर एक नगर है हब्बनटोटा, तो हब्बनटोटा पर एक बंदरगाह है, जहाँ पर चीन ने उसको क्या किया है, डेवलप किया है। भारत ने भी यहाँ पे कई नगरों को बनाने का, कई घरों को बनाने का क्या किया है, काम शुरू किया है। क्लियर है। इसके बाद अच्छा, चीन ने हमने बताया चारों तरफ हमारे बंदरगाह बना रहा है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह बना रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है। क्लियर है। तो चारों ओर से भारत को घेरने के रणनीति के हिसाब से वो इस तरह से उसमें चारों ओर बंदरगाह पर निर्माण कर रहा है। लास्ट देश जो अब हमारा वशा एशिया का, उसका नाम क्या है, मालदीव्स। मालदीव्स की राजधानी क्या है, माले। और भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है। ये एशिया का सबसे छोटा क्या है, देश है। क्लियर है। कई सारे द्वीपों में ये बटा हुआ है। पर्यटन यहाँ का क्या है, प्रमुख साधन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सार्क देशों में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, उसका नाम क्या है, मालदीव। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, कि ये समुद्र तल से, समुद्र स्तर से केवल 1.5 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण जल का स्तर थोड़ा भी बढ़ा तो ये पूरा देश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस कारण से इसको ज़्यादा, इससे क्या है, हानि होगी। हानि तो सभी को होगी, इसको सबसे ज़्यादा हानि होगी। तो स्टूडेंट, ये हमने एशिया महाद्वीप करा, एशिया महाद्वीप के जितने देश, उनके जितने भी फैक्ट हो सकते थे उसके बारे में बताने का प्रयास किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन कौन से देशों के बारे में, कौन सी इंटरेस्टिंग बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इससे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।